आरजेडी नेता, वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान के बाद बिहार की राजनीति में उबाल आ गया है। बीजेपी के नेता आरजेडी नेता को पाकिस्तान में बसने की सलाह दे रहे हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी आज भी अपने बयान पर कायम है। उनका कहना है कि देश के अंदरूनी हालात की वजह से उन्होंने ये बयान दिया। उनका बयान इसी संदर्भ में है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने देश से प्यार है और आगे भी रहेगा, यही जन्म लिया है, यही की मिट्टी में दफन होंगे। लेकिन उनके बयान के बाद जिस तरीके से प्रतिक्रिया आ रही है, उससे लगता है कि बीजेपी के लोग पाकिस्तान का वीजा बांटने लगे हैं। ये भी एक बड़ा सवाल। सिद्दीकी साहब, हम तो विवादित बयानों से दूर रहते थे, अभी भी विवादित बयानों से दूर ही है। ना हमारा आचरण वैसा है, ना व्यवहार ऐसा है और ना हमारी प्रतिबद्धता वैसी है। मैंने बहुत दुखी मन से बहस के लिए इंटेलेक्चुअल्स लोग थे वहाँ, उनके बीच ये मुद्दा छेड़ा कि साहब हमारा बेटा बेटी अभी बाहर है, पढ़ रहा है वहाँ, तो हमने कहा है कि साहब नौकरी अगर मिले तो नौकरी कर लो, अगर नागरिकता भी मिलती है तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहने का मतलब ये नहीं कि मैंने अपना डिसीजन थोप दिया उन पे, मगर हमने दुखी मन से इस वजह से कहा कि साहब आज जो है, जो लोग देश में डर का, भय का, घृणा का, द्वेष का राजनीति कर रहे हैं, तो उनसे डरना भी नहीं है, मगर उनको संदेश यह देना है कि हम तुमसे डरे नहीं हैं। पाकिस्तान भेजने की बात हो रही है भैया, अब ये बताइए कि एक चीज़ मुझको नहीं लगता भैया कि अब तुम्हारा कहीं मिला जुला कुश्ती है पाकिस्तान से तो मैं भेजने का वीजा उजा मंगाओगे। हम इस देश में पैदा हुए हैं, इस देश में मरेंगे, समझा कि नहीं? हमारे बाप दादा 7-10 पुरुष जो है यहाँ मरे हैं, गरे हैं। अपने बयान पर कायम है अभी भी? भाई कायम है, क्यों नहीं कायम रहेंगे? हम क्या बुरा कहा है? हम तो उनको मतलब उनका कुछ समझिए नज़रिया बदलने की कोशिश की है कि घृणा की राजनीति बहुत हो गई। अरे अब सत्ता है तो आप कौन सी का घृणा का राजनीति कर रहे हो? तो ये अब्दुल बारी सिद्दीकी साफ कह रहा था कि वो अपने बयान पर अभी भी कायम है, लेकिन जिनको देश से प्रेम है, इनके 7 पुस्त इसी देश में रहे हैं और इनको अभी भी अपने देश से उतना ही प्रेम है। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र झा के साथ आदित्य झा, न्यूज़ स्टेट, बिहार।